मही पंचायत की महिलाओं की अनूठी पहल ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाया। स्वावलंबी से बनाई गई राखियां सोलन वासियों को बेहद पसंद आ रही है। हाथ से निर्मित ये राखियां सोलन की महिलाओं द्वारा बनाई जा रही है, जो देखने में इतनी आकर्षक है कि लोग इसे हाथों हाथ खरीद रही हैं। ये महिलाएं पत्तियों से ना केवल राखी बना रही है, बल्कि घर की जरूरत और सजावट का सामान भी विभिन्न रंगों में ये बना रही है, जिससे न केवल ग्रामीण महिलाएं स्वावलंबी हो रही है बल्कि वे अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही है। चीड़ की पत्तियां गर्मियों में जलकर करोड़ों रुपए की वन संपदा को भी हानि पहुंचाती है, लेकिन अगर इन पत्तियों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाए तो वनों को आग से भी बचाया जा सकता है। प्रदेश सरकार भी महिलाओं के इस कदम को बेहद अच्छा मान रही है और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनके उत्पादों को बेचने हेतु मंच भी प्रदान कर रही है। अधिक जानकारी देते हुए मही पंचायत की महिलाओं ने बताया कि चीड़ की पत्तियों और कुशा घास को उपयोग में लाकर वह हाथ से निर्मित राखियां बना रही है, जिसे सोलन की जनता बेहद पसंद कर रही है। उन्होंने बताया कि उनका सारा परिवार राखियां बनाने में उनका बेहद हाथ बटाता है। राखियां बेहद आकर्षक होने के चलते शहरवासी इन्हें हाथों हाथ खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि राखियां बनाने के लिए वे बाजार से केवल धागा खरीदते हैं, बाकी सारा सामान उन्हें जंगल और घर के बेकार सामान से मिल जाता है। वे इन सब के उपयोग से दिन में करीबन 50 राखियां बना लेते हैं। वे जितनी भी राखियां तैयार कर बाजार लेकर आते हैं, वे शाम होते ही सभी बिक जाती है। उनका कहना है कि उन्हें ये विशेष प्रशिक्षण पर्यटन विभाग ने दिया था, जिसकी वजह से उनकी पंचायत की करीबन 10 महिलाएं स्वावलंबी हुई है। मेरा नाम मंजू है, मैं तोंदल पंचायत से हूँ और मैं कुशा के प्रोडक्ट तैयार करती हूँ। सारी चीज़ें मैं पूरी कुशा की होती है मेरी। आजकल राखियाँ तैयार कर रही हूँ तो दिन में 50 राखियाँ तैयार कर लेती हूँ, जो वहीं बिक जाती है। इसकी बहुत डिमांड है सर, लोकल में बहुत डिमांड है इसकी वहाँ पे भी। मैं सर ऑर्डर पे चीज़ें तैयार करती हूँ, जो मुझे ऑर्डर आता। मैं 15 प्रकार की चीज़ें बनाती हूँ, जिससे सब बिक जाती है मेरी। कुशा का आसन, चप्पल और फ्रूट ट्रे, चपाती सर्व करने के लिए, और आजकल जैसे राखियों का चला हुआ, आजकल तो यही बना रहे सर। सर कुशा है हमारे जंगलों में मिलती है, वो घास होती है जिसको हम काट के लाते हैं पहले, फिर उसको बॉयल करते हैं और उसमें फिर नमक और ग्रीसलीन वगैरह डाल के उसको पहले बिल्कुल तैयार करके फिर उसको छाँव में सुखा के उसके बाद बनाते हैं सुई धागे से। ये सिर्फ सारा हाथ का काम है सर, ये हाथ से बनती है सर। तो क्या आप अकेले ही बनाते हैं, आपके परिवार के सदस्य भी इसमें हेल्प करते हैं? बच्चे मेरे बहुत हेल्प करते हैं और मैं अकेले ही ये सारे प्रोडक्ट तैयार करती हूँ। इसमें यानी कि कितना खर्चा आ जाता है और क्या उम्मीद करते हैं आप कि कितने तक ये बिक जाएगा? सर ये वैसे तो सारा रॉ मटेरियल है, खर्चा इसमें सिर्फ धागे का होता है। धागे हम बाजार से खरीद के ले जाते हैं। और बाकी हमें क्या उम्मीदें रखते हैं कि कितने तक आपका सामान सर? उम्मीद तो ऐसे है भी जो हमारी चीज़ें होती है सारी बिक जाती हैं और अच्छे रेट में बिकती है सर। जी बोलिए। मेरा नाम बीना ठाकुर है, मेरे गांव का नाम घलाई, पंचायत मही है। हम फाइन मिनरल का काम करते हैं, चील की पत्तियों की हमने राखी तैयार की है, जिसमें हमें मतलब अगर हम सारा दिन बैठे तो भी 30-40 राखी आराम से बना सकते हैं। अगर जैसे हम घर के कामों के अलावा थोड़ा थोड़ा टाइम निकाले तो हमें काफ़ी टाइम लगता है इसे बनाने में। तो क्या आप अकेले ही बनाते हैं या परिवार के और लोग भी आपका सहायता करते हैं? जी हमारे ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप जैसे 10 ग्रुप है तो ग्रुप में हर लेडीज़ ये काम करती है। और क्या किस किस तरह के मटेरियल का इसमें उपयोग किया जा रहा है? ये चील की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया है जी, और बाकी इसमें मौली का धागा यूज़ किया गया है और थोड़े बहुत सितारे मोती लगाए गए हैं। तो क्या कोई वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ किया है? हाँ जी, जैसे घर में बच्चों की मालाएं पड़ी होती है या जैसे हमारे कोई सूट में से बटन हो गया, कोई भी चीज़ हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो आप पत्तियों से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? सर ये सुई धागे का यूज़ होता है इसमें, मतलब हाथों से तैयार किया जाता है, सुई धागा ही इसमें यूज़ किया जाता है। पत्तियों का आइडिया कैसे आया और कहाँ से आया? सर हमें ट्रेनिंग दी गई थी, मतलब ब्लॉक द्वारा, टूरिज्म विभाग द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी, तो तब हमने ये काम सीखा। इस काम में हम जैसे चिल्लर बॉक्स हो गए, पेंसिल स्टैंड हो गया, चपाती बॉक्स हो गए, ड्राई फ्रूट के लिए हो गया, मतलब हर एक चीज़ बनाते हैं जी हम। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। तो रा
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।